हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? आई नो ये सवाल काफी सिंपल सा लग रहा होगा, बट लेट्स काउंट देम। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसियस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, नंबर 6 डीजेनरेटिव मैटर, नंबर 7 सुपर सॉलिड, नंबर 8 फर्मियोनिक कंडेंसेट, नंबर 9 टाइम क्रिस्टल, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आई नो स्कूल्स में हमें बस सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेट्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में टोटल ऐसे 22 स्टेट्स ऑफ मैटर है। इनफैक्ट इसमें से तो एक ऐसा स्टेट भी है जो ग्रेविटी तक को डिफाई करता है। एंड नो आई एम नॉट किडिंग, जस्ट लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो में बिना उस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए लिक्विड अपने आप बाहर आ रहा है और साइंटिस्ट ने इस स्टेट को नाम दिया है सुपर फ्लूइड। एंड नॉट जस्ट दिस, पिछले साल की ही बात देख लो, साइंटिस्टों ने एक और एक मिस्टीरियस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था जिसे उन्होंने नाम दिया क्वांटम स्पिन लिक्विड। अब सुनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज लग रही है, राइट? बट ट्रस्ट मी, इसके और बाकी के सभी स्टेट्स ऑफ मैटर के पीछे के लॉजिक को समझना बहुत ही ईजी है। सो आर यू रेडी? लेट्स हॉप ऑन दिस जर्नी, लेट्स बिगिन। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम पिछले कई सालों से ये पढ़ते आए हैं, हमारे सराउंडिंग में भी जितनी चीजें मौजूद है, लाइक लेट्स से बुक्स, कंप्यूटर्स या मे बी फूड आइटम्स, इनफैक्ट कांच पर लगी हुई धूल तक भी मैटर ही होता है। इन शॉर्ट, डेफिनेशन के अनुसार हर ऐसी चीज जिसके पास मास है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो सब चीजें मैटर कही जाती है। और अगर हम बात करें उनके स्टेट्स की, तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि मैटर बनता है एटम्स और मॉलिक्यूल से, और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर की एनर्जी और उनकी एंट्रोपी ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर मैटर का स्टेट क्या होगा। अब एंट्रोपी क्या होता है, ये तो हमने बहुत बार पहले वीडियोस में कवर कर लिया है, लेकिन चलो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक आइस क्यूब है, अब जैसे ही हम इस आइस क्यूब को हीट करेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार इसमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ने लगेगी और आइस क्यूब लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। सो बेसिकली एंट्रोपी इज द लेवल ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। और उसी तरह अगर हम हीट ऐड करें तो एंट्रोपी और भी बढ़ते जाएगा और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैस। वेरी सिंपल, स्कूल लेवल फिजिक्स। इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ उनकी एंट्रोपी चेंज हो रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बट नाउ होल्ड अप, हमने अभी जिस प्रोसेस की बात की उसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है। आई मीन टू से, हम वाटर वेपर को लिक्विड और लिक्विड को फिर से आइस क्यूब्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें तो एंट्रोपी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही है। Isn't that a violation of second law of thermodynamics? How is that even possible? Well, not exactly. You see, लिक्विड को आइस क्यूब में कन्वर्ट करने में लिक्विड की एंट्रोपी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन साथ ही ऐसे करने के प्रोसेस में जब हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो डिक्रीज हो रही एंट्रोपी के मुकाबले ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज कर देती है। सो ओवरऑल यूनिवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज ही हो रहा है, एंड इन द एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑलवेज करेक्ट एंड कॉन्स्टेंट। तो चलो अब इस एंट्रोपी को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। व्हाट इफ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद भी हम कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर मैटर को हीट करते रहेंगे? Well, ऐसे एक एक्सपेरिमेंट 1879 में विलियम क्रुक्स ने किया था, और उनके इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया के सामने पेश किया प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली उन्होंने गैसेस को इतना ज्यादा हीट किया कि एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से गैस के एटम्स इतने एनर्जेटिक हो गए कि उन्होंने अपने ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स को ही इजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसकी वजह से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक हाईली एक्साइटेड एंड एक्सट्रीमली एनर्जेटिक सूप फॉर्म हुआ, विच इज नथिंग बट प्लाज्मा। अब सुनने में ये प्लाज्मा काफी एक्सोटिक सी चीज लग रही है, राइट? लेकिन रियलिटी में ये पहली बार नहीं था जब हमने प्लाज्मा को ऑब्जर्व किया था। हमने बिना जाने पहले भी इसे कई बार ऑब्जर्व किया है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, ऑरोरास एंड इवन वेल्डिंग आर्क्स। और प्लाज्मा की वजह से ही हमारे पृथ्वी पर आज के टाइम पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। यू डोंट बिलीव मी? ओके, सिर्फ आसमान की तरफ देखो और जो चमकता सितारा सूरज आपको दिखाई देता है, दैट इज नथिंग बट अ ह्यूज बॉल ऑफ प्लाज्मा। इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा ही है। अब फ्रेंड्स, हम मैटर्स की हिस्ट्री के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन और डेटा ढूंढ के ले आ पा रहे हैं, लेकिन हम इंसानों का क्या? ह्यूमन स्पीशीज 3.5 लाख पुरानी है और हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है। As crazy it sounds, it is true. But अगर आप सोचोगे तो humans have been one of the smartest races that has ever lived. हमारे पीछे का इतिहास लकी और स्मार्ट डिसीजन से जुड़ा हुआ है। हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं बेस्ड ऑन आर स्मार्ट एंड लकी डिसीजंस, उन छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से जिसने इंसानी सभ्यता का नक्शा ही बदल दिया। और उन टर्निंग पॉइंट्स को जानने के लिए आपको सेंचुरीज नहीं बल्कि कुछ ही मिनट्स लगेंगे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हू एवर लिव्ड
इस बुक को पढ़ के। इस बुक में आपको जानने मिलेगा कि आखिर क्या है हमारा इतिहास, कौन थे हमारे पूर्वज और कैसे अतीत की हर वो घटना इंसानी जीन्स को आज की तारीख में डिफाइन करती है। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक अगर आपको साइंस समझना है और हमारा इतिहास भी। एज यू नो मेरी फेवरेट बुक है सेपियंस और ये बुक भी काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट में है। सो इन दोनों बुक्स को बाय द वे आप सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में इन कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु एवर लिव्ड जैसे कई सारे बुक्स की समरीज अवेलेबल है डिफरेंट जॉनरास की, जैसे फाइनेंस, करियर, बिजनेस, लीडरशिप, जो भी ज्ञान आपको रियल लाइफ में काम में आएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारा नॉलेज अवेलेबल है 7 रीजनल लैंग्वेजेस में। यहां पर 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कॉन्टेंट अवेलेबल है और इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज है अगर आप मेरा कूपन कोड GS50 यूज करोगे। वरना इसकी रियल कॉस्ट 399 रुपीज है। बट हरी, बिकॉज दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डाउनलोड कुकू एफएम। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। सो नाउ यू नो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर लिटिल इंट्रिकेटली। अब जैसे मैंने बताया सिर्फ 4 स्टेट्स ही नहीं है बल्कि टोटल 22 स्टेट्स ऑफ मैटर है। बट डोंट वरी, इन्हें भी समझाना है और ये भी इन 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जितने ही आसान है, जस्ट ए लिटिल पेशेंट। सो सबसे पहले तो इन 22 स्टेट्स को आसानी से क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने इन्हें भी 2 स्टेट्स में डिवाइड किया है। एक है लो टेम्परेचर स्टेट्स और एक है हाई टेम्परेचर स्टेट कैटेगरी। इन स्टेट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम को यूज किया जाता है। बेसिकली इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सपोज मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा और सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉलिड मैटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर गैशियस स्टेट में, जो कि हम यूजुअली देखते आए। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखकर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो फिर भी हमें यही रिजल्ट देखने मिलेगा। यानी हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करते हैं। सो चलो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर एक एक करके इन 22 स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स को जान लेते हैं। वेल, सबसे पहले बात करते हैं द क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की। बेसिकली क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा एक हाई टेम्परेचर फेज है। इसमें प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखकर टेम्परेचर को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाता है। मतलब अगर हमने प्लाज्मा को भी और ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर तक हीट किया तो उसकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर एनर्जी इतने हद तक बढ़ जाती है कि एटम्स में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तक मेल्ट हो जाते हैं और स्ट्रॉन्गली बाइंडेड क्वार्क्स भी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फ्रीली मूव करने लगते हैं। और इन क्वार्क्स को जो पार्टिकल्स बाइंड करते हैं ग्लूऑन्स, वो भी मेल्ट हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ये स्टेट सबसे पहले फॉर्म हुआ था बिग बैंग के फ्यू फ्रैक्शन सेकंड्स बाद। लेकिन जैसे यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फ्रीज हो गए और आज की तारीख में इस स्टेट को ऑब्जर्व करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हाल ही में हुए हाई एनर्जी न्यूक्लियस न्यूक्लियस कोलिजन्स ने फिर एक बार साइंटिस्टों को इसको स्टडी करने का एक मौका दे दिया। आज के तारीख में अगर इन क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट को स्टडी करना है तो ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में स्पेशल फैसिलिटीज को अरेंज किया गया है, जो है द रिलेटिविस्टिक हेवी आयोन कोलाइडर। और इसी कोलाइडर की मदद से साइंटिस्ट आज ये दावा कर रहे हैं कि यूनिवर्स में फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि इस केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, अगर हमने इसका ऑपोजिट किया, आई मीन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर प्रेशर को इंक्रीज किया, तो मैटर सीधे जा पहुंचेगा डीजेनरेटिव मैटर के स्टेट में। ये एक ऐसा एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी मैटर है जिसमें प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब इस स्टेट में एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, लेकिन ये कंप्रेशन भी एक लिमिट तक ही हो सकता है जब तक पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद है। अब क्योंकि दो पार्टिकल्स सेम टाइम पर सेम स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते और इसीलिए एटम्स डीजेनरेट हो जाते हैं और अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को खो देते हैं। सिंपली मींस इस कंप्रेशन एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अलग होकर ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने लगते हैं। और अगर ये प्रेशर ऐसे ही बढ़ते गया तो एक पॉइंट के बाद एक्सटर्नल प्रेशर भी अनस्टेबल हो जाता है और एटॉमिक न्यूक्लियाई भी अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देते हैं। तो चलो अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर प्रेशर को इंक्रीज करके देखा। बट नाउ व्हाट इफ हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को साथ में इंक्रीज किया? वेल, वही तो है हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सुपर आयोनिक आइस। इट इज नथिंग बट आइस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जहां एक तरफ नॉर्मल आइस 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, वहीं दूसरी ओर सुपर आयोनिक आइस को फॉर्म होने के लिए नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर से 2 मिलियन टाइम्स ज्यादा प्रेशर और सन के सरफेस यानी कि 5000 डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर की जरूरत होती है। बट इतने हाई टेम्परेचर में आइस कैसे फॉर्म हो सकती है, यही सोच रहे हो ना?
लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम किसी नॉर्मल आइस क्यूब को हीट करते हैं, उनके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट के फॉर्म में एनर्जी इंक्रीज होती है और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है, टर्निंग द आइस इनटू वाटर। लेकिन ऐसा होना सिर्फ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही पॉसिबल है। अगर हम टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर को भी इंक्रीज करते जाए तो वो हाई प्रेशर आइस क्यूब के वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा और आइस क्यूब एक सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। सो बेसिकली अ वेरी हॉट एंड प्रेशराइज्ड लिटरल ब्लॉक ऑफ आइस। और साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा ही कुछ यूरेनस और नेपच्यून जैसे हाई डेंसिटी गैस जायंट्स में भी मिलने की संभावना है। एंड फॉर नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हाल ही में डिस्कवर हुआ था, क्वांटम स्पिन लिक्विड। अब फ्रेंड्स, नाम सुन के आपको पक्का यही लग रहा होगा कोई लिक्विड स्टेट के टाइप का होता होगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बॉस यहां पर आप गलत हो, क्योंकि इस स्टेट और लिक्विड का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये स्टेट हमें मैग्नेटिज्म और मैग्नेट को कैसे फ्रीज करते हैं इसके बारे में जानकारी देता है। बेसिकली जब रेगुलर मैटर को ठंडा किया जाता है तब उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अलाइन हो जाते हैं, लेकिन क्वांटम स्पिन लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता। टेम्परेचर कितना भी कम क्यों ना हो, मैटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं। और इस मैटर के स्टेट को सबसे पहले 1970s में दुनिया के सामने पेश किया गया था फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर फिलिप वॉरेन एंडरसन द्वारा। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से इस पर किसी भी साइंटिस्टों ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रिसेंटली 2017 में फाइनली इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव किया गया है। अब फ्यूचर में इसी के प्रॉपर्टीज को यूज करके एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजीज सच एज हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज करने का प्लान किया जा रहा है। इजंट दैट सो फैसिनेटिंग। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उससे ये तो समझ में आ गया कि स्टेट्स के लिए मास और स्पेस ऑक्यूपाई करना जरूरी होता है। अब यहां पर ये सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो व्हाट अबाउट लाइट? लाइट कहां पर गया? लाइट का कोई स्टेट नहीं होता है क्या? क्योंकि लाइट बनता है फोटोन से और फोटोन्स तो मैसलेस होते हैं, और आप जिस रूम में बैठे हो उसमें भी तो चारों तरफ फोटॉन्स मौजूद है। इनफैक्ट आपके स्क्रीन से भी फोटॉन्स ही तो बाहर एमिट हो रहे हैं और इसीलिए आप वो विजुअल को देख पा रहे हो। दैट मींस इनडायरेक्टली लाइट कहीं ना कहीं तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और जैसे कि हमने देखा जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो टेक्निकली मैटर कहलाई जाती है, और हर एक मैटर का एक पर्टिकुलर स्टेट होता ही है। सो क्या इसका मतलब लाइट का भी कोई स्टेट है? वेल, लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सरफ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप आगे कभी भी मिस नहीं करोगे। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माई कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।